नो फिश और एनिमल यू आर हार्म इन दिस वीडियो। इस वीडियो में किसी भी मछली या फिर जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, कल हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो चुका था, तो उसी के लिए मैंने कल एक वीडियो बना के आप लोगों से पूछा था कि आप लोग कौन सा मछली लेना पसंद करोगे, गिव अवे नहीं दोस्तों, एज ए गिफ्ट मेरी तरफ से कौन सा मछली लेना पसंद करोगे। आप में से ज़्यादा लोगों ने क्या कमेंट किया है उसी के ऊपर आज बात करेंगे। बाकी वीडियो के बीच में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो गप्पी फिश फ्राई को सबसे जल्दी किस तरीके से आप लोग बड़ा कर पाओगे वो वीडियो के बीच में बता दूंगा। और दोस्तों, मेरा वीडियो का ये मेन टॉपिक ही होने वाला है कि आप लोगों को मेरी तरफ से गिफ्ट किस तरीके से मिलेगा, कितने लोगों को मिलेगा। वीडियो का स्टार्टिंग पे ही क्लियरली बता देता हूँ, मेरी तरफ से जो गिफ्ट मिलने वाला है वो लेने के लिए सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग दोस्तों फ्री का मछली सुन के शायद सब्सक्राइब कर लोगे, तो ऐसा मत करो दोस्तों। मैं सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है तो इसीलिए मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो जरूर से लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग पे आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, कल ही मैंने एक पोल रखा था जिसमें आप लोगों ने वोट किया है, तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने वोट किया है कि बेटा फिश आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे चाहिए, और कुछ कुछ लोगों ने गप्पी फिश लिखा है, और बहुत ही कम लोगों ने विडो फिश के ऊपर वोट दिया है। तो विडो फिश को पहले गोली मारो, गप्पी और बेटा के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेटा फिश के ऊपर बात करते हैं। तो 29 तारीख को, मतलब 29 तारीख को मेरा शिपमेंट आने वाला है दोस्तों इंडोनेशिया से, और कौन कौन सा मछली आने वाला है वो तो आप लोग स्क्रीन पे देख ही रहे हो। पिछले बार भी दोस्तों यही डम्बो यार का फीमेल आया था, इसी तरीके का सेम क्वालिटी का दोस्तों डम्बो यार का फीमेल इस बार भी आने वाला है, पूरा एग लोडेड और अच्छा साइज़ वाला। ऐसा नहीं है कि बहुत साइज़ में बड़ा होगा, आप लोगों के लिए दोस्तों बीडिंग में जो सबसे अच्छा रहेगा उसी साइज़ का मछली मैं मंगवा रहा हूँ। अब दोस्तों, गिफ्ट कौन सा मिलेगा, तो देखो गिफ्ट दोस्तों आप लोगों के हिसाब से मिलेगा, जो लोग जैसा मछली मेरे से खरीदोगे उसके हिसाब से गिफ्ट मिलेगा। पहले ही मैं बोल देता हूँ दोस्तों, ये कोई फ्री का मछली नहीं है, आप लोग अगर मेरे से मछली खरीदते हो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मछली आप लोगों को देने वाला हूँ। मगर दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को क्लियरली बोल देता हूँ, ये मैं पहले भी करता था, लाइक मेरा 10,000 सब्सक्राइबर होने से पहले भी जो लोगों ने मेरे से मछली ऑर्डर किया है वो लोग जानते हो कि बॉक्स में अगर खाली जगह रहता है उसमें मैं फीमेल बेटा या फिर कुछ मछली और भेज देता हूँ, उसका कोई पैसा मैं लेता नहीं हूँ। मगर इस बार से दोस्तों मैं आप लोगों को प्रॉपर बोल दे रहा हूँ, ये कोई गिव अवे नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि 10,000 सब्सक्राइबर हो गया है और भी सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये दोस्तों कोई ऐसा बात नहीं है। आप लोगों को हमेशा से मैं देता आ रहा हूँ, आगे भी दूंगा, और इस बार दोस्तों मैं स्पेशली पीआर देने वाला हूँ, ठीक है। पिछले बार दोस्तों ज़्यादा टाइम पे फीमेल दिया था, इस बार आप लोगों को पीआर दूंगा, कौन कौन सा पीआर देने वाला हूँ वो वीडियो में आगे बात करूँगा। सबसे पहले दोस्तों गप्पी फिश फ्राई के ऊपर अपडेट दे देता हूँ। फाइनली दोस्तों एल्बिनो फुल रेड ने बहुत सारा फ्राई मेरे को दिया है। इतना दिनों से दोस्तों क्या हो रहा था कि 10, 15, 20 ऐसा कुछ फ्राई मेरे को मिल रहा था, मगर आज दोस्तों फाइनली मेरे को एक ही बार में करीब करीब 40 के ऊपर फ्राई मिला है। बाकी जो इलेक्ट्रिक ब्लू मॉस्को है उसका बात छोड़ ही देते हैं भाई, वो हर दिन तो मेरे को 80-60 करके बच्चा देता ही रहता है। और गप्पे फिश दोस्तों मैं आप लोगों को गिफ्ट के तौर पर दे सकता हूँ, मगर गप्पे फिश भेजने के लिए नया पैकेट मेरे को ख़रीदना पड़ेगा, और पैकेट का साइज़ भी बड़ा होता है, लाइक उसका साइज़ जो होता है वो 5 इंच बाई 13 इंच 14 इंच ऐसा कुछ होता है। तो वो पैकेट आ जाने के बाद गप्पी फिश भी मैं आप लोगों को गिफ्ट के तौर पे भेजना स्टार्ट करूँगा। जो लोग गप्पी फिश लोगे उनको गप्पी फिश ही गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि गप्पी फिश ऑर्डर करोगे और गिफ्ट के तौर पे बेटा फिश भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और जो लोग बेटा ऑर्डर करोगे उन लोगों को बेटा ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को गप्पी मिल जाएगा। मगर जो लोग मेरे को बोल दोगे पहले से ही कि मेरे को 2 पेयर बेटा चाहिए उसके साथ 1 पेयर गप्पी आप गिफ्ट के तौर पर भेज देना, तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। अगर आप लोग बोल दोगे तो बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप लोग लिख के पहले व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दो, मैं देख लूँगा। अगर मैं देख नहीं पाता हूँ आप लोगों को मैं एक कॉलिंग टाइम बता दूंगा। अभी दोस्तों कोई कॉल मत करो, ठीक है।
बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर रहे हैं कि दादा कॉल नहीं उठा रहे हो, मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहे हो। भाई हमेशा अगर मैं कॉल पे ही बात करता रहूँगा और मैसेज का ही रिप्लाई देते रहूँगा ना, तो वीडियो भी कोई मतलब बनेगा नहीं और मेरा फार्म भी पूरा जाएगा भाड़ में, क्योंकि मेरा फार्म पर बहुत सारा काम होता है। ठीक है, बोल सकते हो दिन में 35 घंटा काम होता है मेरे फार्म पर। दिन में 35 घंटा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर टाइम पे दोस्तों कुछ ना कुछ मेरे फार्म पे काम रह ही जाता है। आप लोग दोस्तों मेरा डेली ब्लॉग टाइप का एक वीडियो जब लाऊंगा ना, आप लोग समझ जाओगे मैं वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आगे मेरे ब्लॉग चैनल पे। और हाँ, जिन लोगों ने ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाके सब्सक्राइब कर लो भाई। इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे ब्लॉग चैनल का लिंक दिया हुआ है। किस किस को दोस्तों मैं फ्री में मछलियाँ भेज रहा हूँ, जो लोग मेरे घर पर आ रहे हो उन लोगों को भी दोस्तों फ्री में मछलियाँ मिलेगा, उसका पूरा ब्लॉग दोस्तों मैं अपने ब्लॉग चैनल पर दिखाऊँगा। और ऑलरेडी दोस्तों मैंने 1K सब्सक्राइबर पे जो गिव अवे किया था उसका विथ प्रूफ मैंने वीडियो मेरे इस मेन चैनल पे ही डाल चुका हूँ, वो जाके देख लेना। कोई लोग सोचेगा कि मतलब फेक में ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक्चुअल में गिफ्ट देता नहीं हूँ, बहुत सारे लोग सोच सकते हो, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग विथ प्रूफ पिछला कुछ वीडियो जाके देख लेना 1K सब्सक्राइबर पे मैंने किस तरीके से दवाई वाला गिव अवे मैंने दिया था। अब यहाँ पे देखो गप्पी फिश का जो मतलब फ्राई का टैंक है उस पर मैंने पानी जो है वो फिल अप कर लिया है, 1 फुट गहरा मैंने पानी दिया है। और जो पानी है दोस्तों मैंने पुराना पानी दिया है, 6 दिन पुराना पानी, आप लोगों ने तो देख लिया है। और यहाँ पे दोस्तों सभी गप्पीज़ के फ्राई को मैंने उठा के रखा था, बाहर धूप है, पानी गर्म हो जाएगा, छोटा सा मतलब कंटेनर पे है। तो ये सभी मछली को मैंने आधे घंटे के लिए यहाँ पर रखा था, क्योंकि मैंने अभी अभी इनको उठाया है, तो सीधा डाल के दोस्तों वहाँ पर छोड़ देंगे। छोड़ने से पहले दोस्तों ये सब गप्पीज़ को मैं एक्लेमेशन करूँगा, मतलब पानी का टेम्परेचर सेम होने के लिए आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं इन लोगों को छोड़ूंगा। आप दोस्तों आधा 1 घंटा तो मैं ओपन नहीं रख सकता, ऊपर धूप है, तो थर्मोकोल का इस एक पीस दे के मैं उसको ढक रहा हूँ। अब जो जो दोस्तों पीआर देने वाला हूँ उन लोगों को मैं बोल देता हूँ, देखो जो लोग जैसा मछली लोगे उस हिसाब से मैं पीआर भेजूंगा। ऐसा नहीं कि आप लोग खुद से बोल दोगे कि दादा मेरे को एक नीमो कैंडी का पीआर चाहिए, वो मेरे को गिफ्ट के तौर पे भेज दो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो लोग जैसा मछली मेरे से खरीदोगे उसके रिगार्डिंग मैं मछली आप लोगों को भेजूंगा। लाइक आप लोग अगर OHM मेरे से ले रहे हो तो मेरे को लगेगा कि नहीं इसको एक डम्बो का पीआर भी भेजना चाहिए, तो उस हिसाब से दोस्तों मैं भेजूंगा। आप लोग अगर क्राउंटल का पीआर ले रहे हो 5 PR 6 PR, तो मेरे को लगेगा नहीं ये इतना क्राउंटल ले रहा है, इसको एक नीमो कैंडी का पीआर भी सेंड करना चाहिए, तो मैं इस तरीके से भेज दूंगा। अगर कोई बोलेगा जोर जबरदस्ती करेगा कि मेरे को नीमो कैंडी ही चाहिए, यही चाहिए, तो उसको भाई कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं बोल देता हूँ। मैं खुद के तरफ से दोस्तों हर एक के बॉक्स में मछली डालने वाला हूँ, और हाँ जिसके बॉक्स में खाली जगह रहेगा उसी के बॉक्स में डालने वाला हूँ। ठीक है, बार बार वीडियो पर मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग वरना मछली मिलने के बाद मेरे को गाली दोगे कि मेरे को मछली क्यों नहीं मिला, और उनके लिए हम एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आपके बॉक्स में जगह रहेगा तो ये मछली मिलेगा। बाकी दोस्तों ये सब क्राउंटेल का फीमेल है, और क्राउंटेल का फीमेल दोस्तों पहली बात एक चीज़ बोल देता हूँ, छोटा साइज़ में आता है। और इस बार दोस्तों जिनको भी मछली मिलने वाला है थोड़ा सा साइज़ में छोटा मिलने वाला है, क्योंकि इस बार मैं मछली लाने के तुरंत बाद 5 या 6 दिन बाद ही मैं सेलिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं 2 हफ्तों तक क्या करता था, मतलब मछली आज आया मैं 14-15 दिन तक मछली को ट्यूबफ्लेक्स वगैरह खिला के थोड़ा सा साइज़ में बड़ा करता था, उसके बाद आप लोगों को मैं सेल करता था। मगर आपसे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता था। और आप लोग दोस्तों यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन पे बार बार कमेंट करते हो कि दादा ऑर्डर ले लो, ऑर्डर ले लो, मछली मेरे पास इंपोर्ट होके आएगा, 15-20 दिन रहेगा, रेडी होगा, उसी के बाद ना मैं भेजूंगा। अगर जल्दी जल्दी ऑर्डर लेना है, जल्दी जल्दी मछली भेजना है, तो मेरे को इंपोर्ट करके मछली जो है वो 3-4 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा, मछली को स्ट्रेस भी करना पड़ेगा, और उसके बाद आप लोगों को भेजना पड़ेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों मैं प्राइस भी आप लोगों से कम लेने वाला हूँ, कितना कम लूँगा वो आगे जाके आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर देख लो मैंने एक ईआर पंप को स्लोली चला दिया है, अब मछलियों को छोड़ दूँगा। अब देखो दोस्तों मैं जो प्राइस है वो हर एक मछली के ऊपर, जो मछली मैं 300 रुपीज़ करके पीआर ले रहा था OHM का और क्राउंटेल का, वो दोस्तों 250 रुपीज़ कर दे रहा हूँ। और जो डम्बो एयर का पीआर मैंने 450 रुपीज़ किया था, उसका पीआर जो है वो मैं 400 रुपीज़ कर रहा हूँ, मतलब 50 रुपये करके कम कर रहा हूँ। और दोस्तों मैं कम करूँगा आगे जाके, क्योंकि अभी मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट मछली लाऊँगा 3-4 दिन के अंदर, मछली को थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री करके आप लोगों को भेज दूँगा। तो उस हिसाब से दोस्तों प्राइस भी आप लोगों से कम लूँगा। और जो लोग दोस्तों मछली लेने वाले हो उन लोगों को बार बार बोल देता हूँ, मछली आप लोगों के पास थोड़ा सा छोटा मिलेगा। ठीक है, बड़ा मछली लेना है तो दूसरा सेलर से ले लो, यूट्यूब पे बहुत सारे सेलर बैठे हुए हैं मछली सेल करने के लिए। बीट करेगा या नहीं करेगा वो उनकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, उनका मछली बीट नहीं किया बोल के मेरे को आके ज़िम्मेदार मत करना कि आपने मछली नहीं दिया, मैंने उनसे मछली खरीद दिया, ऐसा मेरे को आके मत बोलना।
मगर मेरा मछली जो है वो दोस्तों गारंटेड ब्रीड करेगा। बस आपको एक हफ्ता या फिर 10 दिन अच्छा खाना खिला के अपने पास रेडी करना पड़ेगा। पूरा रेडी पीआर दोस्तों कोई सेल नहीं करता है, पहले ही मैं बोल देता हूँ। रेडी पीआर अगर उसके पास रहेगा तो वो खुद ब्रीड करके पैसा कमा लेगा। ये बात सुन लो अच्छे से आप लोग। सोने का कोई अगर चिड़िया होगा या फिर सोने का अंडा देने वाला मुर्गी होगा वो थोड़ी ना किसी को बेचेगा। अब जिन लोगों को समझ में आया समझ आए। बाकी दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे चैनल पे आइकॉन के क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, 2 वीडियो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। आपसे दोस्तों वहीं पर मुलाकात होगा। और जो लोग मछली लेने के लिए सब्सक्राइब कर रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब मत करो। बाय बाय।